पुलिसियों के द्वारा कोरोना काल में डिजिटल धरना प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी को तत्काल बर्खास्त किए जाने व यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा बिना वैक्सीनेशन निरस्त किए जाने के लिए एक डिजिटल धरना प्रदर्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव प्रसारण होलीगेट स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय पर उमेश शर्मा एडवोकेट महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। पंडित उमेश शर्मा एडवोकेट ने बताया कि डिजिटल धरना प्रदर्शन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी द्वारा फर्जीवाड़ा कर कोरोना काल में अपने भाई को विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करा दिया, जो इस भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के इस कृत्य की घोर निंदा करती है और प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा पंचायत चुनाव में लगे शिक्षकों की ड्यूटी में शिक्षकों की कोविड-19 की वजह से लगभग 1621 मृत्यु हुई और शिक्षा मंत्री केवल 3 का आंकड़ा बताकर अपनी व सरकार की नाकामी छुपा रही हैं। दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के छात्रों की परीक्षा कराने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे इन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और 1621 शिक्षकों के मृतक आश्रितों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा राशि व उनके आश्रितों को एक नौकरी दी जाए, यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा बिना वैक्सीनेशन निरस्त की जाए, डिजिटल धरना प्रदर्शन का संचालन प्रदेश सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग श्याम दुबे ने किया। डिजिटल धरना प्रदर्शन में कांग्रेस जनों में सर्व दिनेश पाठक, विनोद शर्मा, कीर्ति कुमार कौशिक, विक्रम वाल्मीकि, विपुल पाठक, अभिलाष सक्सेना, एडवोकेट अजय मेहरा वाल्मीकि, सौमिल कुलश्रेष्ठ, देवेंद्र भटनागर, कासन रिजवी, गौरव सिंह, गुलाम हसन, इजरार विश्वनाथ, नीरज सनवल, हेमंत कुमार कौशिक आदि कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन में उपस्थित रहे। अंकुश वर्मा, मथुरा, समाचार 24। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मथुरा महानगर कांग्रेस कमेटी आज जो है सतीश चंद द्विवेदी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करती है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को भी आपदा में अवसर ढूंढकर उसकी अवैध कागजों के जरिए नौकरी लगवा दी। हम मांग करते हैं कि सतीश चंद द्विवेदी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, बिना वैक्सीनेशन के इंटरमीडिएट की परीक्षाएं निरस्त की जाएं, क्योंकि परीक्षाएं बच्चों की जिंदगी से अधिक नहीं है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में पहले इंटरमीडिएट की के छात्रों का वैक्सीनेशन कराया जाए, उसके बाद उनकी परीक्षाएं कराई जाएं। और सतीश चंद द्विवेदी जी का जो कृत्य है वह घोर निंदनीय है, और उसके बाद 1621 शिक्षकों की मौत हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में, और उनको मात्र 3 शिक्षकों की मौत होना दर्शा रहे हैं। इससे बड़ा घोर अपराध और शिक्षकों के साथ घोर अन्याय और कुछ हो नहीं सकता है। हम मांग करते हैं कि 1621 शिक्षकों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए और उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए। अगर ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और हर हाल में इन मांगों को मनवाने के लिए, प्रदेश सरकार को झुकाने के लिए हर आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी।